रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्वयं समंदर भी आएगा, थक करने बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान आपका चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका चलेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक जानकारी है, स्टार्टिंग की जानकारी है, वो आपको दी जाएगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर पूरे जीएस की बात करें, जनरल स्टडी की बात करें, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स, ये चार पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी रोल होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान। और सबसे पहले जो मूल प्रश्न आता है, जो मूल बात आती है कि संविधान है क्या, संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। देखिएगा, संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सम्मेलन लिखा हुआ है, ये बिल्कुल मिस्टेक है, बड़ा मिस्टेक है, इसको हटा दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा संविधान, संविधान यहाँ पे लिखिएगा संविधान, ये संविधान है। देखिएगा, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं। ये सम्मेलन नहीं है, ये संविधान है। तो ये आपने देखा संविधान की डेफिनेशन, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है, ऐसे नियम व कानून जिससे किसी देश को चलाया जाता है, जिससे पूरे सिस्टम को चलाया जाता है, वही संविधान कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ये एक बड़ा फैक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। देखिएगा, बड़ा ये पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो देखिएगा, ये बड़े एक गर्व की भी बात है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े संविधान को बनने में कितना समय लगा, और देखिएगा दुनिया के सबसे बड़े संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। देखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 114 दिन तक इसके प्रारूप पर बहस हुई थी, और तब जाके पारित हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। चलिएगा, आगे चलते हैं, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई। देखिएगा, इसके जो प्रारूप था इसका, उसके प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई थी, तब जाके पारित हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलिएगा, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। देखिएगा, दो बड़े फैक्ट पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ और भारतीय संविधान कब पारित हुआ, या भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। देखिएगा, भारतीय संविधान कब पारित हुआ, भारतीय संविधान यदि पारित करने की बात करें तो भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूरे देश में, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। जब पारित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दो बड़े फैक्ट, भारतीय संविधान कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949, और कब पारित, कब लागू हुआ,
26 जनवरी 1950 ये तो आप सभी जानते हैं कि लागू कब हुआ, लेकिन पारित कब हुआ ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट। और जब 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिएगा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, तब इसमें देखिएगा तीन चीजें होती है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। देखिएगा पूरा लेखा जोखा आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 26 नवंबर 1949 को जब देश का सब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान पारित हुआ तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जबकि यदि आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखिएगा 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेखा जोखा। जिस समय पारित हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे, 395, अब कितने हैं, 395। उस समय अनुसूची कितनी थी, 8 थी, अब कितनी है, 12 है। उस समय भाग कितने थे, पार्ट कितने थे, 22, और अब कितने हैं, 25। कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा कि 448 अनुच्छेद वर्तमान में है, लेकिन अगर मूल अनुच्छेदों की बात करें, अगर अनुच्छेदों की बात करें तो 395 ही है, बाकी सब पैराग्राफ जोड़े गए हैं, बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारे सब पैराग्राफ जोड़े गए और 395 अनुच्छेद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है वर्तमान में। नेक्स्ट चलिएगा, देखिएगा हमारा देश चार नामों वाले देश के नाम से जाना जाता है। देखिएगा ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि चार नामों वाले नाम से कौन सा देश जाना जाता है, कौन सा देश ऐसा है जो जिसके चार नाम रहे हैं, चार प्रमाणिक नाम। वैसे तो हमारे देश के बहुत सारे नाम रहे, आर्यव्रत, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, दूध की नदियाँ, तमाम नाम रहे हैं, बहुत सारे नाम रहे हैं, लेकिन जो प्रमाणिक तौर पे जो नाम रहे वो चार नामों से समय समय पर भारत को जाना गया। देखिएगा सबसे पहले भारत में आर्य आए थे, मध्य एशिया से आए थे ऐसा माना जाता है, और मध्य एशिया से आए थे, हालांकि अलग अलग जो विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है और सबने अलग अलग अपने हिसाब से बताया है। किसी ने कहा कि अफगानिस्तान से आए थे, किसी ने कहा कि नहीं तिब्बत से आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तिब्बत से आए थे, किसी ने कहा कि यहीं के निवासी थे, लेकिन प्रमाणिक तौर पर जो मिला वो मिला बोगजगाई का अभिलेख मिला था और कस्सी का अभिलेख मिला था, जिससे ये प्रमाणित होता है कि जो सबसे पहले आर्य इंडिया में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ईरान से आए थे, और ये प्रमाण मिलता है बोगजगाई के अभिलेख में। सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजगाई का अभिलेख, तो वहाँ से प्रमाण मिला कि मध्य एशिया से ही जो है आए थे आर्य, और आर्य सबसे पहले यहाँ पे बसे और आर्यों के नाम पे ही नाम पड़ा आर्यव्रत। तो देखिएगा भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना गया। इसके अलावा नेक्स्ट चलिएगा इंडिया, देखिएगा भारत के नाम से जाना गया और भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, और भरत के नाम में भी कई सारी चीज़ें हैं, जो राम के भाई थे भरत उनके नाम पे भी माना जाता है कि नाम भरत पड़ा, लेकिन अगर जैनिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म के जो जो 23वें तीर्थंकर थे, जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर थे पासवनाथ थे, और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, और जो 23वें तीर्थंकर थे उनके एक पुत्र का नाम भरत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा ऐसा भी माना जाता है। कई सारी चीज़ें हैं, दो भाई थे, एक बाहुबली थे जिनके ऊपर वो एक मूवी भी बनी थी बाहुबली, और साउथ में उनकी पूजा की जाती है, और दूसरे भाई उनके थे भरत, और भरत के नाम पर पड़ा था भारत, तो इस तरीके से भी माना जाता है। तो भारत कुल मिलाकर अगर पूछा जाए कि भारत किसके नाम पर पड़ा, भारत के नाम पर भारत पड़ा, और हिंदुओं की अधिकता के कारण हिंदुस्तान नाम पड़ा, और इंडिया जब भारत में जब अंग्रेजी शासन हुआ उस समय इंडिया के नाम से जाना गया, तो समय समय पर हमारे देश को अलग अलग नामों से जाना गया, और चार प्रमाणिक नाम हैं, और चार प्रमाणिक नाम है आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। देखिएगा चार नामों से हमारे देश को जाना गया, लेकिन हमारे देश के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुनहरी अक्षरों में देश का नाम लिखा गया, वो नाम लिखा हुआ है हमारे देश के संविधान में, हमारे देश का नाम क्या लिखा हुआ है,
पूरा नाम ये लिखा हुआ है, देखिएगा आपके सामने भारत जो इंडिया है, देखिएगा ये को नहीं है जो है, भारत जो इंडिया है, भारत जो इंडिया है, देखिएगा भारत जो इंडिया है, हमारे देश का नाम है भारत जो इंडिया है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है भारत इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे देश का नाम है जो संविधान में लिखा हुआ है, ये पूरा नाम है। नेक्स्ट चलिएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का संविधान, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, और इस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिएगा हमारे देश में लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, जनता का तंत्र है, और यही हमारे देश के संविधान की एक बड़ी विशेषता है। हमारे देश में गणतंत्र राज्य है, देखिएगा, और पूरे देश में जो सर्वोच्च पद पर होता है वो राष्ट्रपति होता है, गणतंत्र हमारा राज्य है, राज्यों का सिस्टम है, राज्यों का तंत्र है, तो गणतंत्र हमारा राज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिएगा सारी प्रभुसत्ता अपने देश के लिए हर तरह के फैसले लेने की प्रभुसत्ता हमारे देश में है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, चाहे कोई भी धर्म हो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का कार्य हमारे संविधान में किया जाता है, सभी धर्म जो है वो इक्वल है, सबको एक जैसा अधिकार है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश। इसके अलावा संसदीय सरकार, देखिएगा संसद में हमारी सरकार है संसदीय सरकार, तो ये एक विशेषता है। इसके अलावा समाजवादी व्यवस्था, देखिएगा हमारे देश में धर्मवादी व्यवस्था नहीं है, जातिवादी व्यवस्था नहीं है, हमारे देश में जो व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था है, पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने का कार्य किया जाता है। और लिखित और निर्मित संविधान, देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार, जो वयस्क है 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर चुके हैं उनको सार्वजनिक रूप से अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका एकीकृत है, सबको न्याय की, सबके लिए न्याय की व्यवस्था एक जैसी है, तो एकीकृत न्यायपालिका भी हमारे देश के संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा कठोर व लचीलेपन का संविधान, देखिएगा भारतीय संविधान कठोर है, भयंकर से भयंकर दंड का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, कठोर हमारा संविधान है लेकिन कठोर होते हुए लचीलापन भी उसमें है, तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्षधर, देखिएगा हमारा देश विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्षधर है, ये हमारे देश के संविधान की एक विशेषता है। तो देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषता है ये आपने देखी, क्या क्या विशेषता है भारतीय संविधान की, विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान की। आगे चलिएगा 5 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, सेट अलग लिखा हुआ है, 5 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, देखिएगा 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, तो देखिएगा यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट भी आपका होगा, 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने होंगे, 3 सेकेंड का आपके पास समय होगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर दें, देखिएगा 4-4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, 4 ऑप्शन आपके सामने, और अभी टॉपिक आपका कंप्लीट कराया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, भारत का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और राइट आंसर होगा भारत, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान कब पारित हुआ, 1947 1948 1949 1950, देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, 1949 को पारित हुआ था, अगर पूछा जाता कि लागू कब हुआ था तो 1950 में लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि पारित कब हुआ और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ 1949, राइट आंसर होगा सी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, देखिएगा जिस समय संविधान पारित हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, उस समय 22 भाग थे, अब 25 भाग है, और 395 अनुच्छेद उस समय थे और अब भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन यहां पे पूछा गया है केवल किस वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में,
लेकिन जब पारित हुआ उस समय 8 ही थी, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यही राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष 11 महीने और 11 दिन, और सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और डी 2 वर्ष 2 माह और 2 दिन। ये 3 गलत है और 1 सही है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो देखिएगा, एक से बढ़कर एक प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान पारित होने के समय कुल कितने अनुच्छेद थे। देखिएगा, अनुच्छेद उस समय 395 थे, अब भी 395 हैं, तो जब पारित हुआ था उस समय अनुच्छेदों की संख्या थी 395, 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में जब पारित हुआ। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समाप्त हुए, और ये पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। संविधान का स्टार्टिंग का वीडियो था, पहला वीडियो संविधान से संबंधित आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक बार फिर से आप रिवाइज करके जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।